And welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I'm back with another video. So today's video is about the subject of corporate financial accounting of MCOM, and we are going to discuss about the chapter of EPS called as earning per share. So ye earning per share jo EPS chapter hai, this deals with the accounting standard 33, aur ek kafi easy chapter hai jisme aap apne exam mein full marks score kar sakte hain. This chapter is for the MCOM students, and MCOM students के लिए semester 4 में ये chapter पूछा जा सकता है. तो earning per share में जो basic calculations होंगे that will be 2, and that will be basic EPS and diluted EPS. So basic EPS और diluted EPS आपके paper में calculations के लिए पूछे जाएंगे. इस chapter का base भी उतना ही है कि आपको basic earning per share and diluted earning per share calculate करना है. So earning per share is what? Earning per share is nothing but the earnings made by the equity shareholder per share. तो basically ये आपने EPS का एक formula भी ratio analysis में पढ़ा होगा, that is called net profit after tax minus preference dividend divided by number of equity shares. So usually EPS is all calculated on the number of shares, and we are calculating कि एक इंसान को एक शेयर पे कितना अर्निंग होगा. तो उससे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है. आपको इस पूरे चैप्टर में बेसिक EPS कैलकुलेट करना है, एंड वी हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट दी अर्निंग पर शेयर. तो अर्निंग पर शेयर दो तरीके से कैलकुलेट होगा. एक होगा आपके बेसिक EPS से के बेसिस पे, और एक होगा आपके डाइल्यूटेड EPS के बेस पे. तो ये कुछ थेरोटिकल बेस मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपका जो थेरोटिकल बेस है वो आपको ध्यान देना है कि थेरोटिकल बेस में सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक EPS का फॉर्मेट. तो बेसिक EPS का फॉर्मेट कैसा है कि द फॉर कैलकुलेटिंग द बेसिक EPS द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज. प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, उसमें से हमें टैक्स माइनस करना है, तो हमें आंसर मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. देन उसके बाद हमें माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हमें आंसर मिलेगा अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. देन वी कैन इजीली कैलकुलेट EPS. बेसिक EPS अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज शेयर्स के साथ तो हमें आंसर मिल जाएगा बेसिक EPS. बेसिक EPS के साथ आपको और एक कैलकुलेशन पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड डायल्यूटेड EPS. तो डायल्यूशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द अर्निंग पर शेयर और इंक्रीज इन द लॉस पर शेयर. तो इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन लेने हैं, देन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं डायल्यूटेड EPS के, जिसमें हम वेटेड शेयर्स में न्यू शेयर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें वो आंसर मिलेगा. स्टेप नंबर 3 में हमें कैलकुलेट करना है डायल्यूटेड अर्निंग्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट. तो अगर हम दोनों को प्लस करेंगे और उसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट तो हमें आंसर मिल जाएगा. सो ये थोड़ा सा थियोरटिकल है पॉइंट्स, ये आप अपने बुक्स में लिख के रखें सो दैट आपका थियोरी क्लियर हो जाएगा, तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो थियोरी का हेल्प ले सकेंगे. तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली द क्वेश्चन नंबर 1 विच रिलेट्स टू बेसिक EPS. फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा बेसिक EPS के साथ डायल्यूटेड EPS भी. तो मैंने पहले लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए और वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाए. अगर वीडियो छोटा हो जाएगा तो आपको पढ़ने के लिए भी काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा तो दैट विल बी क्वाइट बोरिंग. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कैलकुलेट द बेसिक EPS एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सो वी आर गिवन विद द शेयर कैपिटल एज ऑन 1 April 2019 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स फॉर कैश ऑन 1 July 2019 इन द रेशियो ऑफ 1 share for every 5 shares held. Then we are being given with issue of bonus shares excluding. तो bonus shares excluding दिया है आपको, उसमें भी same ratio है 1 share for every 5 shares held. देखो अभी मैं आपको दोनों के बीच का difference बताता हूँ. What is the difference between right shares and bonus shares? तो right shares are the shares which are issued to existing shareholders but they are not issued free of cost. Right shares में हमें पैसे देने पड़ते हैं तो ही हमें right shares company issue करता है. बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट बट बोनस शेयर्स आर इशूड ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट गेटिंग एनी बोनस शेयर्स. तो वी हैव टू रिमेंबर दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स. सो राइट शेयर्स आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेंगे. तो राइट शेयर्स के लिए इन्होंने बोला है
कि वन शेयर फॉर एवरी फाइव शेयर्स हेल्ड इज द रेशियो. इसका मतलब अगर हमारे पास फाइव शेयर्स रहेंगे तो कंपनी हमें एक शेयर देगा, और बोनस शेयर्स में भी आपको सेम रेशियो दिया है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2019-20 इज 4 लाख रुपीज, एंड इनकम टैक्स का रेट दिया है 40%. सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अभी बोनस शेयर्स का वर्किंग नोट. तो बोनस शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेशो. अगर हम रेशो की बात करें बोनस के लिए, तो रेशो आपको दिया है 5:1 के लिए. सो बोनस के लिए आपको रेशो दिया है 5:1. तो मैं आपको यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, फिर भी आपको बताता हूँ. देखो यहाँ पे बोनस के लिए रेशो है 5:1 का. सो 5:1 आपका बोनस है. 5 के बदले में एक बोनस शेयर मिलेगा. तो हमारे पास इक्विटी शेयर कितने हैं? हमारे पास इक्विटी शेयर है 1 लाख. तो 1 लाख के बदले में कितना मिलेगा? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख × 1/5, विल गेट द आंसर एज 20,000 शेयर्स. तो आपका 20,000 शेयर्स का राइट शेयर्स का कैलकुलेशन हुआ. तो फर्स्ट वर्किंग नोट इज हम लोग कैलकुलेट करेंगे राइट शेयर्स एज पर द रेशो गिवन इन द क्वेश्चन. सेकेंड वर्किंग नोट इज बोनस शेयर्स. तो सेकेंड वर्किंग नोट आपको कैलकुलेट करना है बोनस शेयर्स के लिए. बट इन द क्वेश्चन बोनस शेयर्स भी आपको सेम दिए थे. बोनस शेयर्स के लिए भी आपको रेशियो दिया है सेम 5:1 का. तो 5 के बदले में 1 है. तो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया 5:1 है. तो 1 लाख के बदले में कितना होगा? अगेन वी आर गेटिंग बोनस शेयर्स का सेम आंसर कॉल्ड एज 20,000. ऐसा नहीं कि आपको हर क्वेश्चन में सेम आएगा. वी आर गेटिंग द सेम आंसर बिकॉज रेशियो वॉज सेम. तो फर्स्ट वर्किंग नोट वी हैव टू प्रिपेयर, दैट इज बोनस राइट शेयर्स. सेकेंड वर्किंग नोट वी हैव टू प्रिपेयर, दैट इज बोनस शेयर्स. थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट इज कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स. तो अभी इसको कैसे कैलकुलेट करें? देखो आपको टोटल कॉलम बनाने हैं 5 कॉलम्स. एक कॉलम मैंने बाद में उसमें लिखा है, तो आप वो भी कॉलम बना लेना. पर्टिकुलर्स, सेकेंड इज डेट ऑफ इशू, थर्ड इज पीरियड अप टू 31st March 2020. अभी 31st March 2020 कैसे आया? हमारा जो स्टार्टिंग डेट है, दैट वॉज 1st April 2019. सो आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल का डेट है 1st April 2019. तो इस दैट इंडिकेट्स कि हम फाइनेंशियल ईयर से जा रहे हैं 1st April 2019 से लेके 31st March 2020 तक. तो दैट विल बी रिलेटेड विथ फाइनेंशियल ईयर. सो फाइनेंशियल ईयर के लिए इसलिए मैंने यहाँ पे 31st March 2020 लिखा है. सबसे पहले आपको क्या करना है? ओपनिंग लिखना है. ओपनिंग मतलब जो शेयर कैपिटल आपके क्वेश्चन में दिया है, दैट वॉज 1st April 2019 का डेट था, एंड पीरियड था 31st March 2020 का. 31st March 2020 का, तो दैट वॉज 1st April 2019 से लेके 31st March 2020 अगर हम काउंट करें तो कितने मंथ्स आएंगे? 12 मंथ्स आएंगे, जो मैंने ऑलरेडी वहाँ लिख दिया है. कितने शेयर्स थे हमारे? 1 लाख शेयर्स थे. तो 12 मंथ्स है, तो यहाँ पे 1 लाख रहेगा. एक कॉलम है वेटेड का, वेटेड एवरेज शेयर्स का. वेटेड एवरेज में यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे भी 1 लाख ही है, बिकॉज ये 12 मंथ्स है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट शेयर्स. तो वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी राइट शेयर्स इन द वर्किंग नोट नंबर 1, एंड वी गॉट द आंसर एज 20,000. बट आप चेक कर सकते हैं राइट शेयर्स का डेट, राइट शेयर कंपनी ने इशू किया है 1st July 2019 को. तो 1st July 2019 को कंपनी हैज इशू राइट शेयर्स. तो दैट इज वाई द आंसर बिकम्स 9 मंथ्स. तो 9 मंथ्स कैसे आया? जुलाई से लेके मार्च तक अगर हम गिनेंगे तो 9 मंथ्स आएगा. तो 9 मंथ्स के लिए हमें अभी इसको कन्वर्ट करना है. 20,000 आपका आंसर था, तो 20,000 को आप 9 मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना. कैसे करेंगे? 20,000 / 12 × 9. तो द आंसर कम्स टू 15,000. तो इसलिए मैंने वेटेड में देखो 15,000 लिखा है. देन द थर्ड इज बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स के लिए आपको पूरा साल का लेना है. तो बोनस शेयर्स के लिए 12 मंथ्स है. 12 मंथ्स के लिए हमारा बोनस शेयर्स का आंसर अभी सेकेंड वर्किंग नोट में हमने प्रिपेयर किया था 20,000. सो इसका 20,000 है, तो यहाँ पे वेटेड में भी 20,000 ही लिखना है. इफ यू एड ऑल दिस थ्री, वी विल गेट द टोटल एज 1,35,000. दैट इज वर्किंग नोट नंबर 3. देन द फोर्थ वर्किंग नोट विल बी अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो हाउ टू कैलकुलेट दिस? वी हैव लर्न नाउ द सिस्टमेटिक फॉर्मेट. पहले आपको लेना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आपको माइनस करना है टैक्स. देन वी विल बी डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड. तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो आइए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. देखो क्वेश्चन में लास्ट लाइन में ही दिया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द 2019-20 वॉज 4 लाख, और टैक्स का परसेंटेज है 40%. तो लेट अस सी नाउ हाउ टू कैलकुलेट. देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने लिखा है 4 लाख, टैक्स का परसेंटेज है 40. तो 4 लाख के ऊपर अगर हम 40% ढूंढेंगे तो आएगा 1,60,000.
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख में से अगर हम 1,60,000 को डिडक्ट करें तो आएगा 2,40,000, तो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड तो नील आ जाएगा। देन अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स वी आर गेटिंग 2,40,000। प्रेफरेंस डिविडेंड कब आएगा? जब आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल दिया होगा। तो इफ यू हैव प्रेफरेंशियल कैपिटल इन द क्वेश्चन, वी विल कैलकुलेट स्पेसिफिक परसेंटेज ऑन दैट प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो ये 4 वर्किंग नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद हमारा जो बेसिक ईपीएस है उसका आंसर आ जाएगा। सो बेसिक ईपीएस कैसे मिलता है? बेसिक ईपीएस इक्वल टू फॉर्मूला इज अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज 2,40,000। तो अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर आप वेटेड एवरेज शेयर से डिवाइड करोगे तो वी विल गेट द आंसर एज बेसिक ईपीएस। तो वेटेड एवरेज शेयर्स अभी हमको यहाँ मिला 1,35,000, सो 2,40,000 को अगर हम 1,35,000 से डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग द आंसर एज 1.78, एंड दैट इज 1.78 पर शेयर, विच इज योर बेसिक ईपीएस। सो दिस इज द कैलकुलेशन वी हैव टू डू। इसको आप प्रॉपरली अपने बुक्स में कॉपी कर लेना। ये था हमारा बेसिक ईपीएस। मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी दिया है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आप बेसिक ईपीएस ट्राई कर सकते हैं। इसका डाइल्यूटेड ईपीएस मैं आपको कैलकुलेट करने सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो कैसे लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोस जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर दे वो अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सॉल्व। तो सेकेंड क्वेश्चन ऑफ बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।